हाँ जी दोस्तों, एक क्वेश्चन आ गया मेरे पास, ये एनालॉग का क्वेश्चन है। जरा देखिए, आपको इस तरह का एक सर्किट दे रखा है, ये मेरे पास बीजेटी है और कुछ इस तरह का कनेक्शन है, यहाँ पे 1 किलो में। पता नहीं भाई, आप इसको रेक्टिफाई कर दें अगर कुछ गड़बड़ है, मान लीजिए क्या कुछ वैल्यूज में अगर कुछ चेंज है तो आप बता दें, ठीक है। यहाँ पे ये 3.5 का आपका जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज दे रखी है इसकी, और इधर आपका ये लगा हुआ है, यहाँ पे 3 किलो ओम है, ये है आपका 3 किलो ओम, और यहाँ पे आपको RL दे रखा है, ठीक है ना, ये है आपका RL, ठीक है भाई, कुछ इस तरह का है दोस्तों। और यहाँ पे दे रखा है 9 वोल्ट और यहाँ पे दे रखा है 15 वोल्ट, कुछ इस तरह का है। तो जरा देखिए, और ये बोल रहा है कि भाई बीटा इज वेरी लार्ज, ठीक है, आपको RL की वैल्यू पूछी है। तो सुनिए, मुझे बताइए, अगर मैं एक बार मान लूँ कि जीनर का ब्रेकडाउन हो रखा है, तो इसका मतलब इसमें करंट आ रहा होगा, तो यहाँ की जो वोल्टेज आएगी वो 0.7 बनेगी, ये VB आपको दे रखा है 0.7 मानना है, तो यहाँ की वोल्टेज जो बनेगी वो क्या बनेगी, 4.2 वोल्ट, ठीक है। यहाँ पे है 9, ये है 4.2, तो आप डिफरेंस बताइए कितना आया, 9 माइनस 4.2 करोगे तो 4.6 वोल्ट का डिफरेंस आ जाएगा भाई, ठीक है, आप देख सकते हो। तो आप बताइए जो करंट आएगा वो कितना आएगा, 4.6 डिवाइड बाई 3 किलो ओम, तो मिली एम्पियर में करंट आएगा, और मिली एम्पियर में बता देता हूँ आपको कितना करंट बन रहा है, ये 4.6 डिवाइड बाई आप देखिए 3, तो ये बनेगा आपका 1.533 मिली एम्पियर, ये करंट आएगा दोस्तों। अब बताइए, ये जो करंट है, अब यहाँ की वोल्टेज मुझे पता है, इधर कोई करंट नहीं आएगा, जितना भी करंट आएगा सारा सारा नीचे ही जाएगा, क्यों क्यों इधर कोई करंट नहीं आएगा, बिकॉज आपको बीटा वेरी लार्ज दे रखा है, तो जो ये करंट आएगा कलेक्टर करंट, अगर बीटा वेरी लार्ज से डिवाइड करूंगा तो अप्रोक्सीमेटली 0 एम्पियर बनेगा, तो सारा का सारा करंट नीचे ही जाएगा, तो इसका मतलब RL की जो वैल्यू बनेगी दैट विल बी इक्वल टू 4.2 डिवाइड बाई 1.53 मिली एम्पियर, तो इसका मतलब 4.2 को अगर मैं डिवाइड कर दूं, ठीक है, इस करंट से, तो जो वैल्यू आ रही है मेरे पास, दैट इज 2.73 किलो ओम, ये कुछ बनेगा भाई, 2.739 किलो ओम, ये आंसर आएगा दोस्तों, ठीक है ना। तो एक बार देख लीजिएगा, लेकिन एक बार इसमें एक चीज और चेक कर लो कि जीनर का ब्रेकडाउन होगा कि नहीं होगा, ये भी श्योरिटी हमें मुझे चाहिए। अगर यहाँ पे 9 है और ये कंडक्ट कर रहा है, तो ये 0.7 होगा, यहाँ की जो वोल्टेज आएगी वो 9.7 आएगी, ऊपर है 15, नीचे है 9.7, तो करंट इधर आएगा और इधर 0 करंट जाएगा, तो सारा का सारा करंट इधर आएगा, और वो करंट जो है वो तकरीबन इधर से, क्योंकि देखो ना यहाँ पे फाइनाइट करंट आएगा, ये बीटा वेरी लार्ज है, तो इधर से 0 आएगा, तो यही करंट सारा सारा इधर जाएगा, तो इसका मतलब जीनर का ब्रेकडाउन हो रखा है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप इसको सोल्व करोगे, ठीक है दोस्तों। जो थेवेनिन वोल्टेज वाला एक क्वेश्चन मैंने आपको अभी करवाया था, उसमें मैंने गलती से 8 ओम ले लिया है, वहां पे 2 ओम है, तो उसको भी मैं जरा ठीक कर देता हूं। तो अगला जो क्वेश्चन आने वाला है वो वही वाला थेवेनिन वाला मैं करेक्ट करके दूंगा आपको, ठीक है दोस्तों। तो बने रहें साथ में और क्वेश्चंस भेजते रहें। थैंक यू।